जब यश चोपड़ा ने जबरन कटवाई अनिल कपूर की मूछें। क्या अभिनेता अनिल कपूर को बगैर मूछों के इमेज किया जा सकता है? अनिल कपूर के समकालीन अभिनेताओं में जैकी श्रॉफ ही ऐसे अभिनेता थे जो मूछों के साथ भी कामयाब रहे, वरना उस दौर में मूछ वाले अभिनेताओं के लिए केवल कैरेक्टर रोल ही होते थे। अनिल कपूर अपनी मूछों को लेकर कुछ ज्यादा ऑब्सेसिव थे, इसकी वजह से उन्होंने कई बड़ी फिल्में भी ठुकरा दी, लेकिन यशराज फिल्म्स के साथ काम करने की उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने अपनी मूछों को भी कुर्बान कर दिया। 1991 में यश चोपड़ा फिल्म लम्हे बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए वो अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी को साइन करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से श्रीदेवी को ये आइडिया पसंद नहीं आया तो यश जी ने हीरो की तलाश शुरू कर दी। फिल्म की लेखिका हनी ईरानी ने इस रोल के लिए अनिल कपूर की सिफारिश यश चोपड़ा से की। हनी ईरानी के कहने पर यश चोपड़ा अनिल कपूर से मिलने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन यश जी का ख्याल था कि रोल के हिसाब से अनिल कपूर बड़े लगते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अनिल कपूर को ये रिजेक्शन बुरा लगा और वो काफी मायूस हो गए। यश ने बहुत समझाने की कोशिश की कि वे फिल्म में कैरेक्टर के हिसाब से बड़े दिखाई देंगे, लेकिन अनिल मानने के लिए तैयार नहीं थे। यश चोपड़ा ने उनके सामने शर्त रखी कि वह अपनी मूछें कटवाकर फोटो सेशन करें, अगर वो सही लगा तो देखेंगे। मूछें कटवाने का नाम सुनते ही अनिल कपूर को पसीना आ गया, लेकिन आखिरकार उन्होंने चोपड़ा की शर्तें मान ली। फोटोज देखने के बाद यश चोपड़ा ने उनके लुक को ओके कर दिया और इस तरह अनिल कपूर इस फिल्म के हीरो बन गए। श्रीदेवी ने फिल्म में डबल रोल माँ पल्लवी और बेटी पूजा का रोल किया था। कहानी के मुताबिक अनिल कपूर पल्लवी से प्यार करते हैं, लेकिन किसी कारण श्रीदेवी की शादी मल्होत्रा से हो जाती है। हालांकि जब पल्लवी प्रेग्नेंट होती है तभी उनकी और सिद्धार्थ की मौत एक्सीडेंट में हो जाती है, लेकिन उनकी बेटी पूजा को बचा लिया जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पूजा भी वीरेन से प्यार करने लगती है। फिल्म तो औसत साबित हुई, लेकिन श्रीदेवी को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, जबकि अनिल कपूर मूछों की कुर्बानी के बावजूद बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाने से चूक गए।